आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज के इस कड़ी में हम स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे मोतीलाल नेहरू को याद कर रहे हैं। 6 मई 1861 को आगरा में जन्मे मोतीलाल नेहरू ने 1889 में स्वरूप रानी कौल से विवाह किया। जवाहरलाल नेहरू इनके पुत्र थे और इनकी दो पुत्रियां विजयलक्ष्मी पंडित तथा कृष्णा नेहरू थी। मोतीलाल ने 46 वर्ष की आयु में 1907 में इलाहाबाद में आयोजित नरमपंथियों के प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने 1916 में इनी बेसेंट द्वारा शुरू किए गए होम रूल आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। पायनियर अखबार ने उन्हें होम रूल लीग के ब्रिगेडियर जनरल की उपाधि से सम्मानित किया। मोतीलाल ने 1919 में एक दैनिक समाचार पत्र द इंडिपेंडेंट भी शुरू किया। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने वकालत छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। एक साल बाद उन्होंने सीआर दास के साथ मिलकर अपना स्वयं का राजनीतिक संगठन स्वराज पार्टी का गठन किया। पार्टी का प्राथमिक उद्देश्य केंद्रीय विधानसभा में सरकार विरोधी आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश राज को अस्थिर करना था। इसे कांग्रेस की राजनीतिक शाखा के रूप में देखा गया। साइमन कमीशन के गठन के जवाब में मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता की। रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया, जिसके बाद मोतीलाल ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। इसी वर्ष उन्होंने अपने आवास आनंद भवन को कांग्रेस पार्टी को मुख्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए दे दिया। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद मोतीलाल ने आंदोलन में हिस्सा लिया और गांधी जी के नमक सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए गुजरात की यात्रा की। उन्हें कुछ महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया था, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया था। कुछ महीने बाद 6 फरवरी 1931 को मोतीलाल नेहरू का निधन हो गया। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को आकाशवाणी का नमन। आज हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी सत्कारी बनर्जी उर्फ सतु बाबू को, जिनका निधन 6 फरवरी 1937 को हुआ था। सत्कारी बनर्जी का जन्म 1892 में पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में हुआ था। वे जुगांतर पार्टी के सदस्य थे और अतुल घोष और कुलरंजन मुखर्जी जैसे क्रांतिकारियों के करीबी सहयोगी थे। वे 1916 में भारत में सशस्त्र विद्रोह के आयोजन के लिए बटाविया में जर्मन लोगों से सहायता प्राप्त करने की योजना में शामिल थे। उन्हें 2 अगस्त 1916 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन दिसंबर 1919 की शाही घोषणा के बाद माफी दिए जाने के कारण 12 जनवरी 1920 को रिहा कर दिया गया। सत्कारी बैनर्जी अपनी रिहाई के बाद भूपेंद्रनाथ दत्त, जीवनलाल चटर्जी और अन्य क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उन्हें डायमंड हार्बर आश्रम का प्रभारी बनाया गया, जो भूपेंद्र दत्ता की पार्टी के लिए एक भर्ती केंद्र था। नवंबर 1924 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अप्रैल 1928 में बिना शर्त रिहा कर दिया गया। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया। 6 फरवरी 1937 को देवली कैंप जेल में उनका निधन हो गया। हम इस महान क्रांतिकारी को नमन करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी शिव नारायण तिवारी को भी आज हम याद कर रहे हैं, जो 6 फरवरी 1932 को शहीद हुए थे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के नुनारा गांव के निवासी शिव नारायण ने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। बाद में 1932 में जब भू राजस्व का भुगतान न करने को लेकर किसानों ने आंदोलन शुरू किया, तो वे सक्रिय रूप से इसमें शामिल हो गए।
6 फरवरी 1932 को आंदोलन के चरम पर पुलिस और तहसीलदार ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी। गोली लगने से शिवनारायण तिवारी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। देश के इस महान सपूत को हमारा नमन। हम दिल्ली निवासी शेख मोहम्मद बख्श को भी याद करते हैं, जिन्होंने 1857 को भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में हिस्सा लिया था। उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 6 फरवरी 1858 को उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। इस महान शहीद को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।